हाउसवाइफ हो या कोई 16-17 साल के बच्चे हैं आप, या फिर आप पढ़े लिखे बहुत बड़े इंसान हैं, आप घर बैठे समझना चाहते हैं कि यार मुझे कोई बता तो दो ये क्या बला है, पैसे कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है। तो ये राज की बातें समझने के लिए पहले आपको बेसिक चीज़ें समझनी है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आज है 25 अप्रैल 2020। सब कुछ देखें बर्बाद है दुनिया में, ऑयल वॉयल, लेकिन क्या चीज़ ऊपर है? बिटकॉइन। तो जो जो लोग आज से 4 साल पहले बड़ा मुझे बोल रहे थे, आज उनको अंदाज़ा हो गया होगा। खैर जी, ये तंजबाजी छोड़ दे, बिला वजह की जो गीबत तंजबाजी है, आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, समझ लें आराम से। और ये बेसिक टर्म्स है, और जो साइंसदान बैठे हैं या हमें तो पहले से पता है भाई, आपके लिए नहीं है, मुझे भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, सही है? तो मुझे जो बेसिक चीज़ें पता है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, बिटकॉइन एक्सचेंज क्या बला है? इसका मतलब ये है कि ये एक मार्केट है जहाँ पर जिसने जो बेचना है वो आया हुआ है, और जो खरीदने वाला है वो है। और जिस वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर वगैरह करते हैं इसके लिए, वो आपको कनेक्ट करवा रही है, मतलब बायर और सेलर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है? यानी अगर आपने बिटकॉइन खरीदना है तो आप यहाँ जाएंगे, आप अपनी बोली लगाएंगे, अगर उस कीमत पे वो बेचना चाहेगा बंदा तो आपके पास हो जाएगा। लेकिन आप जो बायर और सेलर है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, जैसे लोकल बिटकॉइंस पे हो जाता है। इसके अंदर वो प्लेटफॉर्म जो थर्ड पार्टी है वो आपसे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करती है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप ट्रेडिंग के लिए निकलते हैं। अब इस बिटकॉइन एक्सचेंज में ऑर्डर बुक जो है उसको समझ लें। एक होता है बिट, यानी जो खरीदार है, खरीदने वाला आया हुआ है, उसने अपना एक ऑर्डर लगा दिया कि भाई मैं आपसे 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, और 100 रुपये की वर्थ के बिटकॉइन को मैं खरीदना चाहता हूँ 7,000 रुपये के रेट पे या 8,000 के रेट पे, जो भी रेट आपको चलाना चाहे, ठीक है? एक होता है आस्क, ये क्या होगा? जो बेचने वाले हैं, बेचने वाला कहता है भाई मैं 100 रुपये के वर्थ का बिटकॉइन जो है वो मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 8,000 रुपये या 9,000 रुपये इतने का देना चाहता हूँ। तो इसको आस्क कहते हैं, ठीक है? बेचने वाला कौन हो गया? आस्क। खरीदने वाला बिड, बाय, सही है? ये बिड और आस्क में जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँ क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग बाज दफा हो जाता है। बिटकॉइन की जो प्राइस होती है उसका मतलब ये होता है कि लास्ट ट्रेड जो हुआ है वो किस प्राइस पे हुआ था, खरीदने का या बेचने का, ठीक है? और जो एक्सचेंज पे आप मौजूद होते हैं वो एक्सचेंज जो है आपको दिखा रहा होता है कि उस एक्सचेंज के अंदर लास्ट क्या कीमत थी जिस पे ट्रेड हुआ, बेचा या खरीदा गया। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सचेंज पे जो प्राइस है वो दूसरे पे हो, 19-20 का फ़र्क आ रहा होता है, या हो सकता है किसी एक कंट्री के दूसरी कंट्री का हल्का फुल्का फ़र्क हो, क्योंकि कोई से कंट्रोल एक बंदा नहीं कर रहा। तो सीधा सीधा है ये सप्लाई और डिमांड, जितना डिमांड बढ़ती जाए, जितनी सप्लाई होती जाए, खरीदार आते जाए, बेचने वाले आते जाए, तो सिंपल बात ये है कि जो लास्ट एक्टिविटी होती है ये आपको वो दिखा रहा होता है। और ये 24 घंटे चल रहा होता है, स्टॉक मार्केट की तरह बंद नहीं होता इसकी ट्रेडिंग। जैसे पानी की बोतल की प्राइस अगर आप किसी बड़े होटल में जाए तो अलग होती है, किसी और मार्केट में जाए तो अलग नज़र आ रही होती है, यानी कोई ग्लोबल प्राइस नहीं होती इसकी, जिसको आप सोचें यार ये तो वहाँ इतने का मिल रहा था यहाँ इतने का मिल रहा है। और ये भी जहन में रखें कि जब बिटकॉइन की कीमत गूगल पे आ रही होती है या किसी वेबसाइट पे आपको नज़र आ रही होती है, उस प्राइस पे आप वैसे अगर ख़रीदने जाएंगे तो नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर आप परसेंटेज 6%, 5%, 2% जो बेचने वाला है वो अलग से कर रहा होता है जब आप किसी दूसरी वेबसाइट से ख़रीदते हैं, जैसे लोकल बिटकॉइन। लेकिन जब आप एक्सचेंज पे होते हैं तो एक्सचेंज पे जो प्राइस वहाँ नज़र आ रही होती है सेम उसी प्राइस पे ही बिकता और ख़रीदा जाता है, हल्की फुल्की सी फीस ली जाती है। तो ये फ़र्क होता है एक्सचेंज में और जो प्राइवेटली लोग कंपनीज जो है बेच रही होती हैं, जैसे कॉइन बेस वगैरह। एक तो आपको बिटकॉइन की इस तरह एक्सचेंज में प्राइस नज़र आ रही होगी कि भाई आखिरी बिटकॉइन कितने पे बिका या ख़रीदा गया, ठीक है? वहाँ पर एक टर्म नज़र आएगी हाई और लो, इसका मतलब ये है कि आखिरी 24 घंटे में या आखिरी 1 घंटे में, जो भी टाइम का वहाँ आप कस्टमाइज़ कर लें, सबसे हाईएस्ट रेट पे कितने का बिका बिटकॉइन और सबसे लोएस्ट पे कितना बिका, इन दोनों को सामने रखना बड़ा ज़रूरी होता है जब आप आ रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक गिवन टाइम में कितने ज़्यादा बिटकॉइन तेज़ी से ट्रेड हुए, खरीदे फरोख्त किए गए, ये वॉल्यूम जो होता है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है अगर आप कोई बड़ा छक्का लगाना चाहते हैं या बाकी ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं। वॉल्यूम अगर बहुत हाई है तो समझ लें बहुत तेज़ी से बिटकॉइन का ट्रेंड ऊपर जाएगा, अगर कम हो रहा है तो
ये मतलब ये थोड़ा और अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तीन टर्म्स अभी मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन सी टर्म वहाँ नज़र आ रही होती हैं जो कन्फ्यूज कर रही होती हैं। तो ये वॉल्यूम ये शो कर रहा होता है कि क्या बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। अच्छा, एकदम हल्की फुल्की अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ रही होती है तो उसको इतना ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, यानी प्राइस की तरफ आपका नज़र इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको वॉल्यूम को समझना कि हाँ यार वॉल्यूम, फिर एक आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि भाई 24 घंटे में कितने ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे गए, एक सर्टन टाइम में कितने ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। तो अगर ज़्यादा वॉल्यूम, इसका मतलब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ख़रीदने और बेचने का तरीका एक होता है, वो 9 तरीके यहाँ कहीं बताए हुए हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी शुरू के लिए सिर्फ 3 तरीके जो हैं वो सीख लें ख़रीदने और बेचने के लिए, जिसे कहते हैं ऑर्डर। मतलब आपने एक ऑर्डर लगाया ना कि मैं बेचना चाहता हूँ या मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो उन ऑर्डर्स की 3 टाइप मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ये तरीका होता है ख़रीदने का या बेचने का। एक कहते हैं एक्सचेंज पे मार्केट ऑर्डर, मकसद ये होता है इसका कि भाई क्वांटिटी आपने लिख दी कि यार मुझे 5 बिटकॉइन ख़रीदने, कोई प्राइस वगैरह उस पर ऊपर नीचे जितनी भी हो मुझे 5 चाहिए भाई। अब वो 5 हो सकता है आपके बहुत महंगे रेट पे आप ख़रीदने पड़ जाएं, क्योंकि आपने सिर्फ क्वांटिटी मेंशन की, आपने ये नहीं बताया हुआ कि यार मुझे कितनी प्राइस पे लेना है। तो मार्केट ऑर्डर लगाते हुए ज़रा ख्याल रखना होता है। फिर दोस्तों है लिमिट ऑर्डर। फ़र्ज करें आपने कहा यार मैं 4 बिटकॉइन ख़रीदूंगा लेकिन मुझे $10,000 पे लेना है, इससे एक रुपया ऊपर नहीं, एक रुपया नीचे नहीं। आपने ये फिक्स किया और जाकर आप सो गए। अब जितने बजे रात को, कल परसों, जब भी कोई $10,000 पे बेचने आएगा, आपको 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 3 बिटकॉइन, जितने भी बायर आएंगे वो आपको मिल जाएगा। यानी आपको सामने बैठ के नहीं देखना पड़ता, ऑटो पे लगाया, छोड़ दिया, अब आ गया। यही चीज़ बेचने के टाइम है। आपने कहा जी मैं $10,000 पे 1 बिटकॉइन बेचना चाहता हूँ, या फिर 0.1 बिटकॉइन बेचना चाहता हूँ, या फिर 0.2 बिटकॉइन बेचना चाहता हूँ, तो आपने ऑर्डर लगाया और सो गए। सोने के बाद जी जब भी आया बिक गया। अब बेचने के बाद आपने USD यानी US डॉलर में कन्वर्ट होके आपके पास आ गए पैसे, वो वहाँ एक्सचेंज पे पड़े, कैश आउट आप कर सकते हैं। फिर तीसरी टाइप है स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी आप एक्सचेंज के ऊपर जाके फिक्स कर देते हैं कि भाई देखो अगर तो बिटकॉइन की कीमत 10,000 पर आए तो भाई मेरे लॉस होने वाला होगा, तो भाई मैं चाहता हूँ उस वक्त ये बेच जाए। यानी फ्यूचर में आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि यार अगर मैंने जो बिटकॉइन खरीद के रखा हुआ है, अगर तो ये इसकी प्राइस $10,000 या $9,000 पे आए तो एक्सचेंज वाले खुद ब खुद इसे बेचना शुरू कर दें ताकि आपका लॉस कम से कम हो। फिर है मेकर फी और टेकर फीस। अच्छा, मेकर फी का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें बेचने वाले ने बिटकॉइन की कीमत लगाई हुई है $11,000, आप आए, आपने बोला भाई मैं तो $10,000 पे लूँगा, ठीक है। अब आपने क्योंकि एक नया रेट लगा दिया तो एक नई मार्केट आप क्रिएट कर रहे हो, यानी बेचने वाला 11-12 हज़ार पे बेच रहा था, आपने कहा मैं तो 10,000 पे करूँगा, तो आपने क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर एक नई एक्टिविटी शुरू करवा दी, एक वहाँ पर लोगों को रखा, तो उसकी वजह से आपको फीस कम देनी पड़ेगी एक्सचेंज को, ठीक है। टेकर फीस ये होता है कि 11,000 का बिटकॉइन कोई बेच रहा था, आपने आते साथ ही 11,000 का ऑर्डर लगाया, खरीद के निकाल के ले गए, तो यानी आपने एक्सचेंज से सामान हटा लिया है ना, खरीद लिया ना, एक्टिविटी खत्म हो गई, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये जानने के लिए हर एक्सचेंज पे एक ये चार्ट अवेलेबल होता है जो रियल टाइम चल रहा होता है, मतलब उस वक्त जो ट्रेड व्रेड हो रहा है ना उसका सब दिखा रहे होते हैं। इस चार्ट को समझने के लिए इसमें एक आपको मुख्तलिफ लोग ये बोलते नजर आएंगे जो ट्रेडिंग करते हैं, कैंडल्स, जैपनीज कैंडल्स की बात होती है। अच्छा, जैपनीज कैंडल्स क्या होती हैं मैं दिखाता हूँ। जैपनीज कैंडल्स सुन के परेशान मत हो जाना, ये चार्ट की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी प्रेडिक्शन देने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, चार्ट पढ़ना आने चाहिए जो भी ये चार्ट्स होते हैं, और न्यूज़ पे नज़र रखनी कि भाई बिटकॉइन की न्यूज़ क्या आ रही है, किन मुल्कों में बहुत ज़्यादा इसको लीगल किया जा रहा है, किन मुल्कों में इसको बैन किया जा रहा है, जैसे चाइना, पाकिस्तान में इलीगल, पाकिस्तान में तो इसको चरस का दर्जा दिया हुआ है जिसकी वजह से मैंने केस भी किया हुआ भाई खोल दो, लेकिन नहीं। तो खैर, इसको सीखने की हद तक तो आप सीख सकते हैं, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। जैपनीज कैंडल्स, ये जो ग्रीन और रेड रंग की आपको नज़र आ रही है ना, ये एक जैपनीज राइस का, चावलों का सौदागर था, ट्रेडर था, उसने
ईजाद की थी प्राइस दिखाने के लिए कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और इसी को फॉरेक्स में भी हर जगह यूज़ करते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बिटकॉइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये इनको समझना, इन पे सर्च करना, इनको जितना समझ लोगे उतना तुम्हें घर बैठे लेटे लेटे फ़ायदा होगा। ये जैपनीज कैंडल आपको चार्ट में नज़र आएंगी हर एक्सचेंज के, ये दिखा रही होती हैं प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है। ग्रीन वाली यूजली दिखा रही हैं प्राइस ऊपर और ये नीचे। हर एक कैंडल जो है ये अच्छा, मैं इस पर पता आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये साइंस नहीं समझ आएगी तो फिर आगे फंस जाओगे। हर कैंडल जो है, आप वहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सचेंज पे कि आप एक घंटे में देखना चाहते हैं क्या एक्टिविटी हुई है, 24 घंटे में, एक साल में, 10 सालों में, 2 सालों में, या 15 मिनट में, या 1 मिनट, इस तरह करके ना टाइम, 1 मिनट तो नहीं, 15 मिनट या 10 मिनट में क्या एक्टिविटीज हुई है कि ऊपर गई प्राइस। अब अगर 1 मिनट का यहाँ चार्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्सचेंज पे, गोल्ड की जगह बिटकॉइन लिखा होगा, तो यहाँ पर ये एक एक मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है कैंडल, ठीक है। अब अगर मैं इसको 10 मिनट कर दूँ तो ये हर कैंडल जो है 10-10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है कि 10-10 मिनट में क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो कैंडल होती है बेसिकली, अब ग्रीन अगर, ठीक है, ये लाइट क्यों ऐसे फ्लैश कर रही है, रुको, जब आपको ग्रीन कैंडल नज़र आए चार्ट में तो इसका मतलब ये होता है कि 10 मिनट का अगर चार्ट देख रहे हो तो पहले मिनट में जो प्राइस थी 10वें मिनट पे प्राइस बढ़ गई, यानी रेट ऊपर गए हैं। और अगर रेड नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो ओपनिंग प्राइस थी या पहले मिनट में प्राइस थी उससे अब प्राइस नीचे आ गई, और कितनी नीचे आई इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपको नज़र आ रहा होगा वो कि कितनी प्राइस थी और कितनी ऊपर गई। अब टेक्निकल ये बातें ना बहुत सारे ट्रेडर्स आपको बोलते हुए नज़र आएंगे, रिवर्सल पैटर्न, इसका मतलब ये होता है कि वही कैंडल्स जो हैं उनमें एक ऐसा पैटर्न आ गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी अगर सब बेच रहे हैं तो अब खरीदने लग जाएंगे, और अब खरीदने का टाइम आ गया है या फिर अभी बेचने का टाइम आ गया है। तो इसके मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक चीज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगी, यार मार्केट बुलिश है, यार बेरिश है। अच्छा, बुल और बेर का क्या चक्कर होता है कि जो बुल होता है वो ऊपर की तरफ सींग मार के मारता है ना, और जो बेर होता है वो क्या करता है, पंजे नीचे मारता है। अगर बुलिश कह रहे हैं तो बस जहन में ये रखो सींग ऊपर जा रहे हैं ना, तो मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है या जा चुकी है, बुलिश मार्केट इज बुलिश है, यानी ऊपर जाने वाली है। बेरिश का मतलब होता है यार ये नीचे जाने वाली है मार्केट, ठीक है। अगर आपको ना इस तरह की सीन नजर आ रहा हो तो इसका मतलब ये कि खरीदो, अभी बिटकॉइन खरीदना है, ठीक है। रेड के साथ ग्रीन इस तरह अगर नजर आ रही हो इसका मतलब है कि अब खरीदने का टाइम आ गया। अच्छा, ये थोड़ी सी अगर बड़ी भी हो, ये एक इंडिकेशन होती है कि प्रेडिक्शन आप कर ले, हाँ इसका मतलब ये खरीदो। अच्छा, बुलिश पैटर्न में से हैमर कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लो कि अगर इस किस्म का आपको रेड नज़र आए जिसका शेडो इतना यूँ है और उसके बाद ग्रीन नज़र आ रहा है तो खरीदने का टाइम है। ये और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन मैं सिंपल सिंपल अब बता रहा हूँ, ठीक है। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, और हैमर इसे कहते हैं, वो एक अलग फिर साइंस हो जाएगी। बहरहाल आप ये याद करें, नाम कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लें कि इस तरह का अगर चक्कर है तो फिर आप फिर भी आपने ख़रीदना है। फिर ये मॉर्निंग डोजी स्टार इसे कहा जाता है। अच्छा, वही ख़रीदने के पैटर्न में, अगर आपको रेड के बाद एक ऐसा साइन नज़र आया, ठीक है, ये साइन नज़र आ रहा है, और ग्रीन वाली जो है इसका साइज़ या तो यहाँ तक आ रहा हो या फिर थोड़ा सा ऊपर हो, इसका मतलब भी है भाई ख़रीदो। अच्छा, अब आ जाए जी बेचना कब है, यानी बेरिश, भालू वाली मार्केट कब हो रही है। तो बेरिश पैटर्न जो है ऐसा होता है कि समझो जो उसका था ना उसी का उलट है। ग्रीन अगर छोटा है और इस तरह का रेड एक कैंडल आ रही हो आपके पास तो इसका मतलब ये है कि भाई अब बेचने का टाइम आने वाला है, यानी बेचने वाले जो हैं वो खरीदने वालों से ऊपर निकल जाएंगे और मार्केट में इस वक्त हर कोई बेच रहा होगा, तो ये वो टाइम है जब आपने बेचना है। ये बेरिश पैटर्न में यानी भालू वाले वही चक्कर के प्राइस नीचे जा रही है, अगर आपको ऐसी एक स्टिक नज़र आ जाए ग्रीन के फौरन बाद तो उसका मतलब ये है कि भाई अब लोगों ने बेचना शुरू करना है, आप भी बेच दो। फिर ट्रेडिंग में आपको दो लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल को यूँ समझें कि एक ऐसा लेवल जिससे मार्केट की प्रेडिक्शन हो रही है कि इससे नीचे तो भाई बिटकॉइन की प्राइस नहीं जाएगी, और वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे खरीदार
मतलब होंगे, ज्यादा बाई ऑर्डर लगे हुए होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये कि यार इससे आगे बिटकॉइन नहीं निकल पा रहा, एक खास प्राइस से ऊपर नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे वहां सेल ऑर्डर लगे हुए होंगे। अच्छा, ये जो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये यूजली राउंड नंबर पर होते हैं, क्योंकि नए नए जो बच्चे आते हैं ना ट्रेडिंग के लिए, वो ज़्यादातर जैसे फर्ज करो $10,000 की प्राइस चल रही है तो उस पर बाय और सेल ऑर्डर लगा देते हैं। तो आपने जो है ज़रा गौर करना है कि राउंड नंबर जो होता है ना, वो बेसिकली इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहे होते हैं। जैसे 10,300 पे आपको इस तरह के ऑर्डर नहीं नजर आएंगे जितने ज़्यादा आपको 10,000 पे नज़र आएंगे। तो राउंड नंबर जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या बैरियर भी होता है, जैसे मुझे याद है कि ये तो 2016 में, अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू 268, एक टाइम ये भी था कि $1,000 जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर था कि यार $1,000 का बिटकॉइन क्यों लें या $1,000 खर्च करना कैसे है। लेकिन फिर ये $20,000 तक पहुंचा और अब $10,000 के बिटकॉइन पे खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं। तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी एक चीज होती है। दोस्तों, मैं आपको दो एक्सचेंजेस के लिंक बता रहा हूँ, क्लिक करना है, दोनों पे अकाउंट बनाना है, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन के साथ वेरिफिकेशन कर लेनी है वहाँ जाके, अपने जो भी आईडी कार्ड ये वो सब, क्योंकि देखो बात है पैसों की, तो आपकी कोई भी एंजल परी पप्पा की परी हूँ मैं ये नहीं डालना। आपने ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल हर चीज़ करके आईडी बनाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन का एक सेक्शन होगा, क्लिक करें, कर दें दोनों एक्सचेंज। अच्छा, क्रिप्टो का चक्कर ही होता है कि आपको बहुत सारी जगह अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो उससे मत घबराना, और अब फारिग ही बैठे हो ना भाई, तो इसको सीखने के लिए करो। अच्छा, पाकिस्तान में या चाइना में जो लोग हैं, आप लोग सिर्फ समझें, देखें और इमेजिन करें। वो होता ना, फर्ज करते हैं कि यार अगर हमने ये पैसे लगाए होते तो कहाँ जाते, कैसे जाते, और ये हम आज सोच रहे हैं इतने पैसे लगा रहे हैं, तो ये जो जैपनीज कैंडल का चक्कर बताया है, इससे आपको प्रिडिक्शन करनी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। बाकी मुल्कों में लोग दबा के लगाएं और कैश आउट भी कर सकते हैं आराम से। अब आप अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, कहीं भी दुनिया में रहते हैं, आपने अपना अकाउंट जब बनाया, $100 $50 का इक्विवेलेंट जो भी अमाउंट है, आप आए इस वेबसाइट पे, या $100 डाले या BTC डाला। अब यहाँ पे आप और भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप BTC ही खरीदें पहले। BTC का मतलब बिटकॉइन। मारा आपने, खरीद लिया, ठीक है, $100 का आपके पास एक आध घंटे में बिटकॉइन आ जाएगा, ठीक है। जब वो आपके पास आ जाए, अब आपने पहले ये सोचना है कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप रिस्क लेते हैं, वो सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं। भाई ये सट्टा है ना, ये आपको ख़राब करता है, ये लसूड़ापन है पूरा। तो मेरे तुख मलंगो, आपने करना ये है कि आराम से प्यार से वो पैसा लगाना है जो आपको है कि यार अच्छा ठीक है मैं कोचिंग सेंटर में दे रहा हूँ, फेंक रहा हूँ भाई, फिर आप इजी खेलेंगे, वरना आप रिस्क में आके फेयर में ग्रीड में फंस जाएंगे। तो आपने आराम से वो पैसा $50 $100 लगा के पहले आपने वो ले लिया बिटकॉइन, फिर उसके बाद आपने जब अकाउंट अकाउंट बना लिया, $100 का ले लिया, तो ये आपको यहाँ नज़र आएगा बिटकॉइन। वॉलेट में गए, स्पॉट वॉलेट में गए, यहाँ पर अब आपको BTC यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है सर, जो भी अमाउंट अलग है, लेकिन ये देखें यहाँ पर, ये तो मैंने छुपाया हुआ है ना BTC, यहाँ आपको बैलेंस नज़र आ रहा होगा 0.1 0.2 या जो भी चक्कर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्पॉट पे आके ये क्लासिक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये आपके पास वो कैंडल चार्ट शार्ट आ गया सारा। भाई क्या आपके पास वही, देखो ना अब ये कैंडल आ रही है, वही ये क्या हुआ हुआ है, इतना ख़रीदारी का सीन चल रहा है। अब देखें ये एक घंटे की कैंडल है ना, एक घंटे पे ये दिखा रहा है, उसी तरह देखें ये नीचे आ रहा है। वो जितना भी कुछ आपको पता है आपने आराम से सोचना शुरू करना है, ठीक है। अब फर्ज करें $100 का था आपने, अब $100 के बाद आपने क्या किया, हर एक्सचेंज पे यही होता है, यहाँ पर एक इस तरह बाय बिटकॉइन सेल बिटकॉइन। अब आप खरीद तो चुके हैं, ठीक है, अब आप आए सेल पे, सेल पर आने के बाद आपने अगर फर्ज करें 7,500 के रेट पे $100 के वर्थ के बिटकॉइन खरीदे, आपने क्या किया, इसको कर दिया भाई आपने एक, वैसे तो वो जो मैंने आपको कैंडल का तरीका बताया अपनी जगह, लेकिन आपने इसको 8,000 किया, या वो जो क्वांटिटी थी वो आपकी आ रही होगी, और आपने सेल पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब है कि जब भी 8,000 का जाएगा, आप सो रहे हैं कहीं गए हुए हैं, तो ये इतने का हो जाएगा, मतलब इतने का आपको मिल जाएगा।
जैसी ये सेल हो, ठीक है, अब आपके पास यूएसडीटी आ गया, यानी यूएसडी के इक्वल, यूएस डॉलर के इक्वल आ गए। जैसे ही आपके पास ये पैसे आप वहाँ एक्सचेंज में नज़र आ रहे होंगे, तो कैश आउट तो इसको कर ही सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने बाय पे आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने 6,000 रुपये पे दोबारा लगा देना है, 6,000 रुपये पे आपने दोबारा ख़रीदने का लगा दिया, यानी आपने 50 या 100 डॉलर का ख़रीदा था, आपने 7,000 डॉलर पे ख़रीदा, 8,000 रुपये आपने बेचा, जो पैसे यहाँ है 6,000 रुपये पे आपने दोबारा बाय ऑर्डर लगा दिया, यानी जैसे ही नीचे जाएगा ये दोबारा ख़रीदेगा, दोबारा ख़रीद के आप। अब ये वाली जो प्राइस है ये कैसे पता चलती है, ये वही कैंडल्स का चक्कर है। अब चाहे तुम आधा घंटा एक घंटा बैठ के 10-20 डॉलर कमा लो, या 2-3 दिन की प्लानिंग कर लो, या 10 दिन की कर लो, या साल की कर लो, या महीने की कर लो, तरीके का ऐसे होता है। आपने जब भी ऊपर जा रहा है बेचा, बेचने के बाद यूएसडीटी में जब नीचे आ रहा है तो सबसे नीचे से दोबारा खरीद लिया, तो आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। और इसको कैश आउट करना कोई इतनी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं, आप कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि भाई पहले सिर्फ पहले सोचो कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है, आपने बिल्कुल ये फॉलो करते जाना और दूसरे लोगों को भी बताना इसके बारे में कि भाई फारिग बैठे हो ये सीख लो, पैसा मत लगाओ, उल्टा पुल्टा कुछ ना करो, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सीखो तो सही कि हाँ यार ये काम कैसे कर रहा है। और ये सोचने में कोई बुराई नहीं कि हाँ यार अगर मैंने इतने पे ये ख़रीदा होता और इतने पे बेचा होता तो मेरा क्या प्रॉफिट बनता, उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और कभी भी और हमेशा भाई ये सोच कर आओ कि मैं 100 डॉलर लगा रहा हूँ, मैं 200 डॉलर जब ये हो जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, ये जो आप बैठ के देख रहे होते हैं ना, अरे 200 से 300 गए, 400 गए, 500 गए, फिर आपका लॉस होता है, फिर कहते हैं अबे यार ये वकार ने बताया था मेरे पैसे डूब गए। अबे भाई गेम से निकलना भी तो है, ये तो नहीं है कि 100 डॉलर लगाए थे अब उसको देख रहे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, भाई 100 के बाद आपने सोचना यार मुझे 150 मिल जाए, 50 डॉलर का प्रॉफिट है, मैं फिर कैश आउट कर लूंगा, ये निकलने का टाइम आपको पता होना चाहिए। तो अब आपने जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं ये स्वाइप अप कर लें और आपको जो है वो लिंक मिल जाएंगे, अकाउंट बनाए और क्वेश्चन लिखे अगर कोई आ रहा है। अच्छा दो नहीं तीन वेबसाइट्स हैं, तीन अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे बना लें ताकि आइंदा जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपका एटलीस्ट अकाउंट बनाओ। पहला भी स्वाइप अप करें, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा दो नहीं तीन वेबसाइट्स हैं, तीन अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे बना लें ताकि आइंदा जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपका एटलीस्ट अकाउंट बनाओ। पहला भी स्वाइप अप करें, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा दो नहीं तीन वेबसाइट्स हैं, तीन अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे बना लें ताकि आइंदा जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपका एटलीस्ट अकाउंट बनाओ। पहला भी स्वाइप अप करें, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा दो नहीं तीन वेबसाइट्स हैं, तीन अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे बना लें ताकि आइंदा जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपका एटलीस्ट अकाउंट बनाओ। पहला भी स्वाइप अप करें, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा दो नहीं तीन वेबसाइट्स हैं, तीन अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे बना लें ताकि आइंदा जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपका एटलीस्ट अकाउंट बनाओ। पहला भी स्वाइप अप करें, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा दो नहीं तीन वेबसाइट्स हैं, तीन अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तीनों पे बना लें ताकि आइंदा जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपका एटलीस्ट अकाउंट बनाओ। पहला भी स्वाइप अप करें, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब आप स्वाइप अप करेंगे तो आपको दूसरा एक्सचेंज मिल जाएगा और ये है तीसरी वेबसाइट। इन तीनों पे अकाउंट आपका होना ज़रूरी है। हाँ जी रेफरल लिंक है मेरा, मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको भी 10% फ़ायदा है, 10% मुझे भी, है ना भाई। और इसी पे बस लड़ लेना, अरे इसने अपना रेफरल क्यों दे दिया, मतलब इतनी मालूमात के बाद ये भी यार क्या बात है। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ये दोनों कर दीजिएगा। और मैं लाइव आकर हेडफोन शो में अब आपको ये सिखाया करूंगा, क्योंकि रमजान है, तफरियां होंगी लेकिन उसके साथ साथ ऐसी चीजें सिखा दूंगा जिससे हर बंदे का फायदा होने का इम्कान